से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना फिर उनके पास कौन खड़ा था द्रौपदी खड़ी थी कौन खड़ा था द्रौपदी उनकी बहन तो नहीं थी पर उन्होंने जैसे ही देखा कृष्ण भगवान की उंगली से ब्लड निकल रहा है तो उन्होंने क्या किया उनको कुछ नहीं मिला कि वो कृष्ण भगवान की उंगली में बांध सके जैसे आपको चोट लगती है हम आपको कहाँ लेके जाते हैं ऑफिस में लेके जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने क्या किया अपनी साड़ी को ऐसे करके फाड़ कर कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दी तो उन्होंने तो यहाँ बांधी थी ना तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने उनको तब से अपनी बहन माना तभी से हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं पता है आपको क्यों मनाते हैं तभी से मनाते हैं कृष्ण भगवान के टाइम से ठीक है ये तो सबसे पहली कहानी थी रक्षाबंधन की इसके बाद भी बहुत सारी कहानियां हुई अभी आपको हम एक इनेक्ट करके यहाँ दिखाएंगे आपको ध्यान से सुनना है ठीक है मेवाड़ की महारानी कर्णावती पधार रही है पन्ना जी महारानी जाओ द्वारपाल से पता करो क्या युद्ध का कोई समाचार है या नहीं मेरे मन में मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है और मुझे रात को बहुत गंदा सपना भी आया और महाराज की भी कोई खबर नहीं आ रही जाइए पता लगाइए जी महारानी आप चिंता ना करें मैं अभी जाती हूँ सब अच्छा होगा युद्ध भी वे अवश्य जीतेंगे मैं अभी जाती हूँ और समाचार लेकर आती हूँ जी महारानी क्या हुआ सेनापति महारानी के आगे बोल क्यों नहीं रहे क्या युद्ध में हमारी जीत हो रही है और जीत से तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे महारानी हम हार रहे हैं क्या हम हार रहे हैं क्या हम हार रहे हैं महाराज महाराज की भी कोई खबर नहीं वो कैसे वे जिंदा तो है ना महारानी महाराज शत्रु से लोहा ले रहे हैं उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि आप सब जोहर कर लें ताकि दुश्मन की अपवित्र तलवार आपके पवित्र शरीर को छू ना सके बिल्कुल सही कह रही है वह हम सारी राजपुतानियां जोहर करेंगी जाइए आप भंडारी जी से कह दीजिए कि चंदन की चिता तैयार की जाए हम सारी राजपुतानियां जौहर करेंगी जो हुक्म महारानी जाइए मैं शहंशाह हुमायूं को राखी भेजना चाहती हूँ अब इस मुसीबत की घड़ी में मुझे उनके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता और मुझे विश्वास है कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे महारानी आपको कैसे लग रहा है वो हमारी मदद करेंगे वो वर्षों से हमारे शत्रु हैं क्या वो आज हमारी मदद करने आएंगे क्या आपको ऐसा लगता है क्यों मुगल इंसान नहीं होते और तुम नहीं जानती इस राखी के धागे का मोल तुम जाओ और दूध को बुलाकर लाओ जो हुकुम महारानी महारानी की जय हो खेलो ये पत्र और इसमें मैंने राखी भी रखी है और जाकर शहंशाह हुमायूं को देना और उनको कहना कि आपकी बहन कर्णावती ने आपको याद किया है और आपसे जवाब चाहती हैं जाओ सेवक को आज्ञा दे महारानी महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज बोलो तो आप क्या खबर लाए हो महाराज महाराज बाहर एक दूत आए हैं वह कुछ समाचार लाए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं शीघ्र अति शीघ्र उन्हें आदर सहित अंदर लाया जाए शहंशाह हुमायूं की जय हो हुजूर ये पत्र रानी कर्मावती ने आपके लिए भेजा है मैं इसका तुरंत जवाब चाहती हूँ मंत्री ये पत्र पढ़ा जाए मेरे भाई गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है राजकोट मुसीबत में है रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा
आपको भाई मानकर ये राखी भेज रही हूँ और आपको रक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। आशा है आप राखी की लाज अवश्य रखेंगे। क्या मेवाड़ की महारानी ने मुझे पत्र भेजा है और राखी भी? ये पत्र सुनकर तो मैं बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेवाड़ की महारानी ने हमें भाई मानकर रक्षा के लिए बुलाया है, हम अवश्य जाएंगे। महाराज ये आप क्या बोल रहे हो, आप एक मुस्लिम होकर पठन होकर आप हिंदुओं की मदद करने जा रहे हो? मंत्री, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद नहीं करेगा। मुसीबत में सबको मदद करनी चाहिए। महाराज की महारानी ने हमें भाई मानकर रक्षा के लिए बुलाया, हम अवश्य जाएंगे। हर धर्म ये सिखाता है हमें एक दूसरे के साथ हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो हम अवश्य जाएंगे। सारी तैयारी करवाई जाए और उनको संदेशा भेजा जाए, आपका भाई हिमायूं आपकी रक्षा के लिए आ रहा है। जी महाराज। पन्ना, अभी तक हुमायूं का कोई अता पता नहीं, वो पता नहीं आए या ना आए। अगर जौहर करने से पहले आ जाते तो अच्छा होता। महारानी, महारानी, दुश्मन के सिपाही किले के अंदर घुस चुके हैं, आप सभी शीघ्र अति शीघ्र जौहर कर ले। सही कहा तुमने सेनापति। अब महाराज हुमायूं आए या ना आए, लेकिन हम सब राजपुतानियां जौहर करेंगी। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे भाई की सदा रक्षा करें। अब हम जौहर करेंगे। तो खाली लग रहा है, दासी कहाँ है हमारी बहन कर्णावती? महाराज, महारानी ने जौहर कर लिया है। क्या? जी महाराज, मेरी बहन ने जौहर कर लिया? नहीं, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेवाड़ के राजकुमार को बुलाया जाए, आज ही हम उसका राज तिलक करके जाएंगे। जी महाराज। और इस तरह से हुमायूं ने मेवाड़ के राजकुमार का राज तिलक किया और उन्हें वहां का राजा घोषित किया। Yeah!
बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना आधा मुझे रहना नहीं कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते